से जल एक अतुल्य संसाधन रहा है, परंतु बदलते परिस्थितियों और तेज रफ्तार से भागती दुनिया ने इस संसाधन के वितरण पर भारी दबाव बना दिया है, जिससे जल संकट का दानवीय प्रकोप समस्त मानव जाति और पर्यावरण को घेरता जा रहा है। इसी संदर्भ में हमारा विनोबा भावे पब्लिक स्कूल परिवार इस वैश्विक संकट को सरल तरीके से एक लघु नाटक के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। अरे नल बंद कर दो, पानी बेकार बहता जा रहा है, बर्बाद क्यों करना? अभी सप्लाई का पानी आया है, बिजली भी है, टंकी भर ले, पानी खत्म नहीं होगा। बात टंकी के भरने या खाली होने का नहीं है। आप चुप रहिए। और रस भाई, घर की साफ सफाई कार्यक्रम का चल रहा है। आइए सुलभ भाई, आइए, घर की सफाई चल रही है। मैं राम्या को बोल रहा था पानी ना बर्बाद करने को। मैं भी तो यही बात कहती हूँ, आज भी ब्रश करते वक्त इनका नल खुला हुआ था, ये इनका रोज का है। जी बैठिए। जी पानी का किल्लत बढ़ता जा रहा है, लोगों को समय पर जरूरत के हिसाब से पानी नहीं मिल पाता। मेरे यहाँ तो पानी आता है, मैं क्या करूँ, घर गंदा ही छोड़ दूँ? नहीं रम्या बहन, बात आपके पानी की नहीं है, पानी साझे संसाधन है, ये सबका है। पानी की किल्लत भयावह स्थिति पैदा कर रही है। कह तो तुम सही रही हो, मैंने भी टीवी पे एक कार्यक्रम देखा था, बता रहे थे कि 2014 से भारत में किसी बड़े शहर में सभी को 24 घंटे पानी नहीं मिला है। स्थिति यही रही तो अगले 5 वर्ष तक कई शहरों में पानी नहीं आएगा। अब तो ये समस्या गांव तक पहुंच चुकी है। आप लोग से अलविदा लेते हैं और इस नाटक का अभ्युदय करते हैं। धन्यवाद।